बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि क्या कोई ऐसा भी शहद है जो डायबिटीज पेशेंट भी खा सकते हैं, क्योंकि शहद के निर्माण का जो प्रोसेस होता है, मधुमक्खियां जब फूलों पे जाती हैं, फलों पे जाती हैं, उनका रस वो पीती हैं और फिर उसी से वो कहीं ना कहीं शहद का निर्माण करती हैं। तो क्या सारे के सारे शहद जो हैं वो डायबिटीज के पेशेंट खा सकते हैं, या फिर कोई ऐसा विशेष शहद आता है जिसको शुगर पेशेंट भी आसानी से खा सकते हैं? इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है कि मधुमेह के रोगी क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। जैसा कि आयुर्वेद और आयुष मंत्रालय ने भी बताया है कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आप जामुन का सेवन कर सकते हैं और मोरिंगा का सेवन कर सकते हैं। अब ये जो दो प्लांट्स है, जामुन और मोरिंगा, इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो आपको मधुमेह से लड़ने में मदद करते हैं। अब हम आते हैं फिर शहद पे। शहद किसी भी प्लांट का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म का एक्सट्रैक्ट होता है। जैसा क्या है कि जामुन में जो फ्लावरिंग होती है उस समय उससे जो नेक्टर और पोलन इकट्ठा होता है उससे मधुमक्खियां जो शहद बनाती हैं वो डायबिटिक पेशेंट आसानी से कंज्यूम कर सकता है, बट लिमिटेड अमाउंट में, क्योंकि नेचुरल तौर पे प्राकृतिक जो शुगर है वो उसके अंदर है। तो लेकिन अगर आप मधुमेह में अगर आप जामुन और मोरिंगा का शहद इस्तेमाल करते हैं तो इससे बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। जैसा कि एक और चीज है कि जो भी डायबिटिक पेशेंट है वो जो भी चीजें खा रहे हैं उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो कम होना चाहिए। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, इसके लिए आप कहीं भी किसी भी प्रतिष्ठित या जो भी विश्वसनीय सोर्स है आप उस पे से एक चार्ट निकालिए, और जो भी डाइटिशियन है, जो भी डाइट प्लान बनाते हैं किसी भी डायबिटिक पेशेंट के लिए, वो लोग उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखते हैं। तो दो शहद है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम होता है, एक है मोरिंगा और दूसरा है जामुन। अच्छा, इन दोनों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। तो वो, लेकिन इसके हाँ बनिस्पत जस्ट उल्टा, जब जैसे कि आप लीची के शहद में जाएंगे हाँ तो हाँ लीची का शहद काफी मीठा होता है, अच्छा तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता ज्यादा होगा होता है। जी। तो कभी भी आप जो भी शहद इस्तेमाल कर रहे हैं कोशिश करिए कि डिफरेंट डिफरेंट सिंगल सोर्स, यानी अगर कोई है तो देखे कि वो जामुन का है, अजवाइन का है, लीची का है, और उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखिए। अगर आपको लगता है कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है देन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी इस विशेष जानकारी के लिए।